सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ARC के साउंड हब्स। सो दिस इज माय ARC हब्स। सो ये मैंने बुलवाए हैं आप लोगों को दिखाने के साउंड इसकी कैसी है और कैसी स्पेसिफिकेशन है और ये कौन सा मॉडल है। सो गाइस, ये है ARC का MT039 हब। सो मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इसका रियर हब, देख सकते हैं कितना कलरफुल है। मैं अपनी बाइक में भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसका एक साउंड सुनाता हूँ आपको। सो डू चेक। सो गाइस, दीज आर द हब्स। इसमें आते हैं दो हब और ये इसकी क्विक रिलीज। सो गाइस, फर्स्टली ये जो आते हैं स्टॉक में, ये 9mm के एक्सल में फिट हो सकते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है एक्चुअल में। सो आप किसी भी अपने 9mm के एक्सल वाली फ्रेम में फिट कर सकते हैं, फ्रंट एंड रियर फॉर बोथ साइड। और ये जो फ्रंट हब है, बेसिकली अगर आप इसको थ्रू एक्सल पे चलाते हैं तो ये 15mm थ्रू एक्सल पे चल जाएगा। आप किसी भी अपने फॉक पे लगा सकते हैं 15mm वाले। जो रियर का है, ये 12mm थ्रू एक्सल पे वर्क कर सकता है। और अभी तो मैंने इन दोनों को 9mm के हिसाब से मॉड कर रखा है। सो ये एनोडाइज्ड कलर है, एक्चुअल में कलरिंग नहीं है, ये एनोडाइज्ड प्रोसेस होती है। इसका कलर कभी नहीं निकलता, इतनी शाइनिंग रहती है हमेशा। इसमें देख सकते हैं कैसा शाइन कर रहा है ये। सो ये हमेशा ऐसा रहेगा। मैं इसको रख देता हूँ और दिस इज रियर वन। और देख सकते हैं ये जो 039 हब है और 009 है, उसमें डिफरेंस ये है बेसिकली, ये जो आप यहाँ से इसकी थिकनेस देख रहे हैं इसकी ज़्यादा है। सो इसकी वजह से ये साउंड ज़्यादा क्रिएट करता है। दिस इज ऑल्सो 6 पॉल्स हब और इसके हर एक पॉल में 3-3 और मीन्स कट्स हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है ये। सो अभी इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जो इसका फ्री हब है, ये यहाँ से खींचने से निकल जाता है। सो दीज आर दी पॉल्स और इसमें 6 पॉल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसमें एक एक में 3-3 कट्स रहते हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा ये साउंड क्रिएट करता है। और ये इसका अंदर का पार्ट, इसमें ग्रीस्ड है एक्चुअली, पहले से इसमें ग्रीस आता है। और अगर आप इसकी साउंड और बढ़ाना चाहते हैं, दिस इज़ दी हैक, तो आप इसकी ग्रीस को ड्राई कर लीजिए, पोंछ लीजिए साफ कपड़े से, देन इसको फिर से इंसर्ट करेंगे, देन ये और ज़्यादा लाउड हो जाएगा। सो इसकी डैम्पिंग कम हो जाती है बेसिकली, तो ये और लाउड हो जाता है। और यहाँ से इसमें होल्स बने हुए हैं जिसकी वजह से साउंड और अच्छे से रिवर्ब करती है, या फिर बोल सकते हैं गूंजती है, तो इसकी साउंड और बढ़ जाती है। सो इसको आपको वापस इंस्टॉल करने कुछ नहीं करना है, ऐसे करके प्रेस कर देना है और ये रीइंस्टॉल हो जाएगा। और इस 6 बोल्ट रोटर फिट के साथ आता है। सो आप इसमें 6 बोल्ट का कोई भी फिट कर सकते हैं। इसमें 32 होल और 36 दोनों में अवेलेबल रहता है ये। और इसका जो वेट है, मैं आपको वेट भी करके दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, दिस इज माय वेइंग स्केल। सो मैं इसमें वेट करता हूँ अभी, ये इसमें 0 हो जाए, ये हो गया 0। और मैं इसकी यूनिट कर देता हूँ केजीस पे। सो मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। इसका वेट ये 280 ग्राम्स। दिस इज फॉर रियर साइड। एंड मैं फ्रंट का वेट करके दिखाता हूँ। एंड इसको मैं फिर से 0 कर लेता हूँ, देन अभी मैं फ्रंट का वेट दिखाता हूँ। सो चेक इट, 165 ग्राम्स इज फॉर फ्रंट एंड 280 ग्राम्स इज फॉर रियर। सो ये काफ़ी लाइट वेट हब्स है, अंडर हाफ के जीज में दोनों हब्स है। सो गाइस, ये हब आप अपनी MTB रोड बाइक वगैरह में या ग्रेवल बाइक या हाइब्रिड में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है ये 135mm। और इसमें जो बेरिंग्स हैं, मैं आपको बेरिंग्स दिखाता हूँ, ये इसमें सील्ड बेरिंग्स आते हैं। इसमें एक बेरिंग, दो बेरिंग नहीं, इसमें 4 बेरिंग आते हैं। यहाँ दूसरा बेरिंग है, दिस इज थर्ड वन, एंड यहाँ पे एक और है। इसमें 4 बेरिंग्स हैं और ये बेरिंग ऑलमोस्ट आप 5-6 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर MTB ईजीली चलता है, सील्ड बेरिंग है ये, उसमें डस्ट वगैरह का कोई पंगा नहीं है, स्मूथनेस बनी रहेगी आपकी। इसका जो फ्री हब है, ये अप टू 10 स्पीड तक का सपोर्ट करता है। शिमानो, टेक्ट्रो, कुछ भी कैसी भी टाइप की कैसेट लगा सकते हैं 10 स्पीड की। सो काफ़ी ईजी है। और अभी इसकी जो साउंड है, ये अभी कम रहेगी जब आप इसको बाइसिकल में इंस्टॉल कर लेंगे। सो जब ये साउंड क्रिएट करेगी कुछ ऐसी,
देख सकते हैं काफी लाउड साउंड है और मेरी आवाज के सामने दब जाती है बिल्कुल एकदम स्मूथ। ये देख सकते हैं व्हील कितनी देर तक स्मूथ व्हील घूमता रहेगा रोटेट करता रहेगा। सो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर्ब्स आप कहाँ से ऑर्डर करेंगे? सो गाइस आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं और इन हर्ब्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और इनकी प्राइस वैरी करेगी हर बात। कभी भी आप ऑर्डर करेंगे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कितने ये हर्ब्स ये मिलेंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली 8,000 से 9,000 के बीच में ये हर्ब्स आते हैं और विद इन 15 डेज आपको ये डिलीवर हो जाएगा हर्ब। सो आप इंस्टा अकाउंट भी मेरे मैं लिंक दे दूंगा MP09 गैरेज करके है जो मेरा, सो उस पर आप DM करके ऑर्डर कर सकते हैं।